हेलो, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कबाब। ये मेरा आधा किलो बोनलेस चिकन है। इसमें सबसे पहले डालेंगे ये प्याज, पिसा हुआ और पानी निकाला हुआ है, एक बड़ा प्याज है। एक छोटा चम्मच ग्रीन चिली, एक गड्डी धनिया पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट छोटा छोटा चम्मच, गरम मसाला कबाब का मसाला, भुना हुआ बेसन एक चम्मच, क्वार्टर चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक, हाफ चम्मच जीरा पाउडर, हाफ चम्मच देगी मिर्च, हाफ चम्मच चाट मसाला। एक चम्मच के करीब सरसों तेल। वन ड्रॉप मीठा तर खुशबू के लिए। ये सबको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हाथों में पानी लगा कर सीख पर चढ़ाएंगे। तवे में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। अब इसको इसमें फ्राई करेंगे। अब इसको पूरा फ्राई कर लेते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। ये बन गया है। अब इसको थोड़ा सा ग्रिल करेंगे। कबाब बहुत टेस्टी बनती है। अब इसको बना कर देखें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। ये बनकर पूरा खाने के लिए तैयार है। आप इसको बनाएं और ट्राई करें, बनाएं और खाएं अच्छी तरह से।